साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर भोरंज के अंतर्गत प्रेस क्लब भोरंज के चुनाव जिला हमीरपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर की अध्यक्षता से संपन्न हुए, जिसमें विजय ठाकुर को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। इसके अलावा अनिल कुमार को उपाध्यक्ष, राकेश राज को सचिव, सतीश शर्मा को सह सचिव, रवि कुमार को कोषाध्यक्ष तथा सुनील शर्मा को सलाहकार तथा एडवोकेट बलदेव जायसवाल को कानूनी सलाहकार चुना गया। इसके अलावा रमीत शर्मा, अनिल कुमार, रणवीर सिंह, बतन सिंह, यशवंत भारद्वाज, राजेश शर्मा, रतन चंद्र, कपिल शर्मा को क्लब का सदस्य चुना गया। हमीरपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रणवीर कुमार के नव नियुक्त पदाधिकारियों को उनके नवजीवन कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई दी और कहा कि प्रेस व प्रेस कर्मी समाज का आईना व निष्पक्ष वक्ता होते हैं और प्रेस क्लब इन प्रेस कर्मियों का ढाल होता है। नवनियुक्त पदाधिकारियों संघ हमने संकल्प लिया है कि प्रेस की गरिमा को कभी झुकने नहीं देंगे, हमेशा निष्पक्ष मार्ग पर चलते रहेंगे, यदि किसी प्रकार की बाधा आती है तो एक साथ मिलकर लड़ेंगे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित राजेश शर्मा, रणवीर ठाकुर, बलदेव जायसवाल ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें संबोधित किया। अपने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार के लिए हम मुक्त में उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं। वहीं बलदेव जायसवाल ने कहा कि पत्रकार कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके इस भूमिका के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि रात दिन पत्रकारों के साथ निःशुल्क खड़ा हूँ, कोई भी असुविधा हो तो सिर्फ एक बार मिस्ड कॉल करें। उनके इस विचारों को सुनकर उपस्थित पदाधिकारियों संघ अतिथियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किए। सर्वसहमति से प्रधान चुने जाने पर विजय ठाकुर ने सभी पत्रकारों का आभार जताया। देखें रतन चंद्र की यह रिपोर्ट। और जो कार्यकारिणी चुनी जाएगी उसके लिए भी मैं परवास में मुबारकबाद देता हूँ। मेरे परम मित्र ठाकुर साहब मेरे सीनियर रहे थे, अपने राकेश जी कॉलेज में सीनियर थे, मेरे भाई साहब राजेश जी हम जो अब क्लासमेट रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सारे पत्रकार बंधु। ये ठीक है कि मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी और देश का जो अब चौथा स्तंभ जो अब माना जाता है, साथ में प्रिंट मीडिया की अहमियत का पता कोरोना काल पीरियड में लगा, जिन्होंने एक अच्छी खबरें छाप कर अखबारों में देकर लोगों का मार्गदर्शन किया और लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो किया। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि मेरा नंबर जो आप नोट कर लें, अगर कोई मीडिया के ऊपर कोई छेड़खानी करेगा या कोई ऐसी जो आप बात होगी तो मैं उसके लिए स्वतंत्र रूप से आप लोगों का दिल की गहराइयों से फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मीडिया के लोगों को जो आपको तंग करने की कोशिश करेगा, चाहे वो टेलीफोनिकली हो या दूसरी, आपने जो आपको मेरे नंबर पर जो आपको डायल करना है, मैं उस चीज़ को जो आपको लीगली अपने तरीके से देकर, वो चाहे पुलिस का काम हो, चाहे वो कोर्ट का काम हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मैं नॉन पॉलिटिकल बन के जो आपको आपका आपके साथ एक लीगल साइड से जो आपको खड़ा रहूँगा। मेरा नंबर ऐसे तो है सबके पास, 9481 7976 है। समय जो आपको ज़्यादा हो रहा है, मैं दोबारा जो आपको अपने प्रेस क्लब को जो आपको मुबारकबाद देते हुए नाम लेता हूँ। धन्यवाद।
ट्रस्ट के बीच में तो मैंने आपको बताया, सारा बता रहे थे, विदेश से लेके इन्होंने भोरंज तक की यात्रा कराई, बहुत अच्छा लगा। समाज सेवा की भावनाएं सारी बता दी इन्होंने, चाहे रोटरी क्लब की बात हो या और अन्य बातें उन्होंने बताई हैं, अच्छा लगता है। मेरे मित्र जो समाज सेवक हैं बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं बाखूबी भी, और ये समय जो मिलता है हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, किसी के पास समय नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम राकेश राज जी जो हमारे भोरंज के ट्रस्ट क्लब के सचिव हैं, बहुत अच्छा देख रेख करते हैं, उनकी देख रेख में सब लोग आगे बढ़ते हैं और खुशी भी होती है। वो लोग ट्रस्ट क्लब के अध्यक्ष भी यहाँ हैं। मुझे आज याद आ रहा है शर्मा जी कि पीछे भी चुनाव हुआ था तो मैं यहाँ था, और हमने इसी कड़ी में सबकी सहयोग से चुनाव करवाया था। मुझे अच्छा लगता है कि सभी मित्र बीच में हों, उनकी अपनी व्यवस्थाता भी होती है, बिजी भी होते हैं। हमारा क्या है कि मीडिया का किसी भी पक्ष से लेना देना नहीं रहता है, पत्रकार सारा दिन भर काम करता है और उसको नींद आ जाती है, सुबह फिर अपने काम में लग जाता है। तो हर दिन हर नया काम करना होता है, नई सूचना इकट्ठी करके उनको आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको जवाब दिलाना चाहता हूँ कि आप के सहयोग से जो भी प्रेस क्लब का काम होगा उसे मैं पूरा करूँगा।